सभी प्यारे किसान भाइयों को नमस्कार। किसान भाइयों, जैसा कि आप इस प्लाट में देख रहे हैं, अभी आपको हम नज़दीक से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यदि आपके धान में खरपतवार जो है इतने बड़े हो गए हैं, तो आप कृपया करके अपने धान के खेत में दवा का इस्तेमाल खरपतवार के लिए मत कीजिए, क्योंकि ये खरपतवार अब इतने बड़े हो गए हैं कि ये खरपतवार आपकी दवा से नहीं जा सकते। किसान भाइयों, जैसा कि आप देख रहे हैं, इस धान के खेत में बहुत सारे खरपतवार हैं और जो इसमें फूल भी आ गया है, ये मोथा है, इसे कहते हैं छतरी वाला मोथा, आप इसे पहचान लीजिए, ये छतरी वाला मोथा है। और ये मोथा जब चार पत्ती का होता है तो इसके दवा से ये चला जाता है, लेकिन ये मोथा बहुत ज़्यादा जो है, देख लीजिए आप कितना बड़ा हो गया है धान के खेत में। इस प्रकार के जो है खरपतवार यदि आपके खेत में हो गए हैं, तो आपके खेत में जो है दवा डालने की ज़रूरत नहीं, इसको आप जो है इसकी निराई करवा लीजिए, इसको आप निकलवा लीजिए, नहीं तो आपके धान की उपज को धीरे धीरे बहुत कमज़ोर कर देंगे। अभी क्या है कि जो खरपतवार है और जो धान है, दोनों में प्रतिस्पर्धा हो रही है कि कौन सी फसल जो है खेत में ज़्यादा अच्छी तरह से ग्रोथ करे। जो आप खाद पानी का प्रयोग कर रहे हैं, वो धान से ज़्यादा आपके खरपतवार खा रहे हैं। जैसा कि ये चौड़ी पत्ती का खर आप देख रहे हैं, और ये भी आप खरपतवार देख रहे हैं, ये भी मोथा है, ये ढीला मोथा है, आप इसको देख लीजिए, पहचान लीजिए। इस प्रकार से किसान भाइयों, जब आपके खेत में किसी भी कारण से जो है समय से दवा का उपयोग नहीं हो पाया, तो आप उसमें अब दवा का प्रयोग जब इस कंडीशन में आ जाए तो ना करें, नहीं तो आपका नुकसान होगा पैसे का। अभी आप क्या कर सकते हैं, अभी आप इसको जो है निकाल सकते हैं, इसकी निराई कर सकते हैं, जिससे कि आपको धान में पैदावार जो है वो वापस आ जाएगी। लेकिन यदि आप इसको नहीं निकाल पाते हैं, तो आपके धान में जो है पैदावार काफ़ी घट जाएगी। किसान भाइयों, अभी जो तीन से चार पत्ती के खरपतवार हैं, उसमें किस प्रकार की दवा का आप इस्तेमाल करें कि आपकी जो खरपतवार है वो सही हो जाए, उसके लिए हम आपको जो है नेक्स्ट वीडियो धान पे देंगे। तो पंकज की किसान पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपने इसको इस जानकारी को सुना। यदि जानकारी अच्छी लगती है तो आप कमेंट करके जो है धन्यवाद भी कर सकते हैं, कुछ कोई क्वेश्चन है तो आप उसको पूछ भी सकते हैं, और अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं। सभी किसान भाइयों को धन्यवाद।